Hello everyone, myself Ram Vilas Singh. I am mechanical engineer and currently working as lecturer in mechanical department of Government Polytechnic College Chittorgarh. आज हम देखेंगे CNC and automation subject में tooling for CNC machine, जिसमें हम देखेंगे topic qualified tools. तो आइए देखते हैं. CNC machine में हम जो tooling उपयोग में लेते हैं वो इस प्रकार से होती है ताकि downtime कम से कम हो और tool adjustment में जो समय लग रहा है वो भी यहाँ पर minimum हो. तो हम यहाँ पर टूल प्रीसेटिंग का यूज़ कर रहे थे और क्वालिफाइड टूल का भी उपयोग करते हैं इस एडजस्टमेंट टाइम को कम से कम रखने के लिए. तो यहाँ हम देखने वाले हैं क्वालिफाइड टूल क्या होता है और किस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है सीएनसी मशीन के अंदर. देखिए, किसी भी एक्यूरेट मशीनिंग के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होता है, हमें रिक्वायर्ड होता है कि जो टूल है आपका वो टूल क्या हो, टूल जो है हाई प्रिसीजन के साथ लोकेट हो वर्क पीस के ऊपर, है ना. वर्क पीस के सापेक्ष क्या हो, उसकी जो लोकेशन है वो बिल्कुल एग्जैक्ट वही हो जो हमें चाहिए. जिससे क्या होगा, जिससे हाई एक्यूरेसी के साथ कटिंग होगी, मशीनिंग होगी. तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि टूल के डायमेंशन को हाई प्रिसीजन के साथ मेजरमेंट करते हैं और मेजरमेंट के बाद हम क्या निकालते हैं, ऑफसेट वैल्यू निकल जाती है टूल की. ठीक है, ऑफसेट वैल्यू क्या मतलब है, ऑफसेट वैल्यू का मतलब यह है कि सीएनसी प्रोग्राम के अंदर हम ऑफसेट वैल्यू को एंटर करते हैं और जो कंट्रोल होता है वो क्या करता है कि इस डायमेंशन के अकॉर्डिंग टूल टिप को वो डिस्प्लेस करता है वर्कपीस से ताकि जो है एग्जैक्ट लोकेशन पे कटिंग यहाँ पर हो सके. अगर हम एग्जैक्ट ऑफसेट वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं, कुछ एरर रह जाता है, तो उसका क्या इफेक्ट होता है आगे कि यहाँ जो डायमेंशनल जो हमें मिलता है कंपोनेंट का, उसमें एरर आती है यहाँ पर, यानी कि हम जो है हाई प्रिसीजन के साथ कटिंग यहाँ पर नहीं कर पाते हैं. ठीक है, तो हमारा जो पर्पज़ है वो क्या है, एक्यूरेसी के साथ मशीनिंग करना. ये तभी हो पाएगी जब टूल आपका जो है एग्जैक्टली लोकेट हो, हाई प्रिसीजन के साथ लोकेट हो टूल. ठीक है, हमारा मेन पर्पज यही होता है. देखिए, अगर हम कटिंग टूल की बात करें तो कटिंग टूल तीन प्रकार के होते हैं, अनक्वालिफाइड, सेमी क्वालिफाइड एंड क्वालिफाइड टूल्स. देखिए, इन तीनों का मतलब क्या है, सिंपल मतलब यही है. क्वालिफाइड टूल्स का मतलब यह है कि क्वालिफाइड टूल्स का मतलब यह है कि जो टूल टिप है आपका, उसकी जो डिस्टेंस है, जो डेटम्स जो डिस्टेंस है टूल टिप की, वो हमें एग्जैक्टली पता है हाई प्रिसीजन के साथ, हमें पहले से ही पता है. ठीक है, सेमी क्वालिफाइड टूल का मतलब यह है कि इसमें टूल की हमें सभी डायमेंशन पता नहीं है, कुछ डायमेंशन तो पता है और कुछ डायमेंशन हमें नहीं पता है. ठीक है, ये हो गया सेमी क्वालिफाइड टूल. क्वालिफाइड टूल मतलब जिसमें हमें सारी डायमेंशन हाई एक्यूरेसी के साथ हमें पहले से ही पता है. सेमी क्वालिफाइड यानी कि जिसमें कुछ डायमेंशन हमें पता है और कुछ डायमेंशन हमें पहले से पता नहीं है. और अनक्वालिफाइड का मतलब यह है कि इसमें एक भी डायमेंशन हमको एक्यूरेसी के साथ नहीं पता है. हमें जब भी अनक्वालिफाइड टूल उपयोग करना होता है तो हमें पहले क्या करना पड़ता है, उसको टूल की डायमेंशन को मेजरमेंट करना पड़ता है, ऑफसेट वैल्यू निकालनी पड़ती है. ठीक है, यानी कि टूल प्रीसेटिंग करनी पड़ती है अनक्वालिफाइड टूल के लिए, और क्वालिफाइड टूल के लिए जो है टूल प्रीसेटिंग यहाँ पर नहीं करनी होती है क्योंकि हमें डायमेंशन एक्यूरेसी के साथ पहले से ही पता होती है यहाँ पर. तो ये देख लेते हैं इन टूल्स को. ये जो अनक्वालिफाइड टूल है, अनक्वालिफाइड टूल फॉर दिस टूल डायमेंशन आर अननोन. तो यहाँ जो टूल की डायमेंशन है वो क्या होती है, अननोन होती है. क्लियर, और यहाँ पर टूल की डायमेंशन हमें पहले से पता नहीं होती, नॉट प्रीवियर अवेलेबल, यानी कि पहले से अवेलेबल नहीं होती, पहले से हमें टूल की डायमेंशन पता नहीं होती है. तो जब भी हमें टूल को उपयोग में लेना होगा तो सबसे पहले क्या करना होगा, टूल की डायमेंशन का मेजरमेंट करना होगा. ठीक है, सो एवरी टाइम टूल डायमेंशन इज मेजर्ड एंड प्लेस्ड इन टू द टूल कंट्रोल टूल टेबल, यानी कि टूल टेबल में हमें वैल्यू को रजिस्टर करने पड़ती है. ठीक है, ऑफसेट वैल्यू निकालेंगे, डायमेंशन मेजरमेंट करेंगे, ऑफसेट वैल्यू निकालेंगे और उसको किस में रजिस्टर कर देंगे, टूल टेबल में रजिस्टर कर देंगे. ठीक है, एनी डायमेंशन वैल्यू नॉन, नो, कोई भी डायमेंशन यहाँ पर नॉन नहीं होती है. लेंथ हो, डायमीटर हो, हमें यहाँ पर जो है मेजरमेंट करना होता है और कंट्रोल के अंदर, कंट्रोलर के अंदर हमें जो है रजिस्टर करना पड़ता है टूल टेबल के अंदर. ठीक है, सेमी क्वालिफाइड टूल में क्या होता है, ऑल टूल ऑफसेट डाटा इज अननोन, यानी कि कोई भी डायमेंशन हमें पता, यानी कि जो है सारी डायमेंशन हमें पता नहीं होती है, यानी कि सारी ऑफसेट वैल्यू हमें पता यहाँ पर नहीं होती है. सम नॉन एंड सम अननोन, कुछ तो ऑफसेट डाटा या फिर कुछ डायमेंशन हमें पता होती है और कुछ डायमेंशन यहाँ पर हमें पता नहीं होती है. ठीक है, ऑल टूल डायमेंशन नॉन, नहीं, ऑल डायमेंशन हमें पता नहीं होती, कुछ पता होती है और कुछ हमें अननोन रहती है. ठीक है, इसका एग्जाम्पल है जैसे ड्रिल बिट. देखिए, हम ड्रिल बिट उपयोग में लेते हैं तो ड्रिल बिट स्पेसिफिकेशन के साथ आती है डायमीटर, यानी कि हमें डायमीटर तो नोन होता है किसी भी ड्रिल बिट का, लेकिन लेंथ कितना हम उपयोग में लेना है ये यहाँ पर अननोन रहता है. यानी कि अलग अलग ऑपरेशन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेंथ अलग अलग
उपयोग में एडजस्ट करके लेते हैं, ठीक है। लेंथ इज अननोन बिकॉज इट इज एज अकॉर्डिंग टू पर्पज ऑफ यूटिलाइजेशन, यानी कि जैसी वर्किंग होंगी उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, लेंथ को यूटिलाइज करते हैं, इसलिए लेंथ हमेशा अननोन रहती है, ठीक है। दैट इज हाउ मच लेंथ इज एक्सपोज फॉर मशीनिंग इज अननोन, ठीक है। सो दैट लेंथ हैव टू बी मेजर्ड एवरी टाइम, तो हम यहाँ पर जो है लेंथ को ऑलवेज क्या करना पड़ेगा, मेजरमेंट करना पड़ेगा, और इस डायमेंशन को क्या करेंगे, सुटेबली प्लेस्ड करेंगे कंट्रोलर के टूल टेबल में, और हम इसको क्या करते हैं, चक में होल्ड कर देते हैं ड्रिल बिट को। तो ये होता है आपके पास सेमी क्वालिफाइड टूल। अब देखते हैं क्वालिफाइड टूल्स। क्वालिफाइड टूल्स में क्या होता है कि सभी टूल ऑफसेट डाटा या फिर टूल की सभी डायमेंशन हमें हाई एक्यूरेसी के साथ हमें यहाँ पर पता होती है क्वालिफाइड टूल्स की, क्वालिफाइड टूल्स के अंदर। ऑल टूल डायमेंशन नोन, यस टूल डायमेंशन हमें यहाँ पर सभी पता होती है हाई एक्यूरेसी के साथ। वैल्यू ऑफ वेरियस डायमेंशन आर प्रीयर अवेलेबल, यानी कि पहले से हमारे पास टूल की डायमेंशन अवेलेबल होती है, पहले से हमें पता होती है, तो हम क्या करते हैं केवल इस डायमेंशन को कंट्रोलर के टूल टेबल में एंटर कर देते हैं और यहाँ पर ऑफसेट वैल्यू जो है जनरेट हो जाती है और जो है मशीनिंग प्रक्रिया हम स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, क्वालिफाइड टूल आर द टूल्स ऑन विच पोजिशन ऑफ कटिंग एज इज गारंटेड विथ हाई एक्यूरेसी फ्रॉम अ स्पेसिफाइड डेटम ऑन टूल शैंक और टूल होल्डर। तो यहाँ जो क्वालिफाइड टूल है, क्वालिफाइड टूल के अंदर क्या है कि डायमेंशन हमें एग्जैक्टली पता है। डायमेंशन पता होने का मतलब क्या है कि यहाँ जो कटिंग एज है आपका, यहाँ जो कटिंग एज है, कटिंग एज की डिस्टेंस आपको हाई एक्यूरेसी के साथ पता है, ठीक है। कहाँ से पता है डिस्टेंस, इस स्पेसिफाइड डेटम्स के रेस्पेक्ट में आपको डिस्टेंस पता है किसकी, कटिंग एज की, है ना। टूल शैंक, ये जो डेटम्स हैं, डेटम्स का मतलब कुछ रेफरेंस सरफेस होते हैं, डेटम्स का मतलब है रेफरेंस सरफेस जहाँ से टूल टिप की या फिर टूल जो कटिंग एज है वो हमें एग्जैक्ट डायमेंशन में पता होती है, ठीक है। तो ये जो डेटम है वो हम जो है टूल शैंक पे भी ले सकते हैं और टूल होल्डर पे भी ले सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक डायग्राम बनाया गया है टूल का, ये जो आपके पास टूल शैंक है और यहाँ पर आपके पास जो है टूल टिप है, ठीक है, कटिंग एज है, और ये जो आपके पास वर्शन दिख रहा है वो क्या है, बैक साइड है, बैक साइड ऑफ द कटिंग टूल, या आपके जो ये आपके पास है फ्रंट साइड ऑफ कटिंग टूल, और ये आपके पास एंड साइड ऑफ कटिंग टूल, यानी कि जो एंड ऑफ द टूल शैंक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें जो टूल टिप की डायमेंशन में एक्यूरेट डिस्टेंस हमें पता है कहाँ से, इस एंड से, और हमें यहाँ पर जो है बैक साइड से भी हमें यहाँ पर एक्यूरेट डिस्टेंस हमें यहाँ पर पता है, यानी कि जो टूल है वो क्या है, क्वालिफाइड टूल है, क्योंकि हमें यहाँ पर डिस्टेंस पता है, एक्यूरेट डिस्टेंस कहाँ से, एंड से भी और इस बैक साइड से भी, ठीक है। एग्जैक्ट जो डायमेंशन है, एग्जैक्ट जो डिस्टेंस है वो हमें पता है यहाँ पर, ठीक है। क्वालिफाइड डायमेंशन आर अप्लाई टू द टूल टिप फ्रॉम द थ्री डेटम्स, और यहाँ जो हम टूल टिप की डायमेंशन लेते हैं वो तीन डेटम से लेते हैं। पहला डेटम हो गया आपके पास कटिंग पॉइंट ऑफ द टूल इज एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द फ्रंट साइड एंड एंड, ये जो फ्रंट सरफेस, ठीक है, बैक सरफेस एंड एंड सरफेस, ये तीन डेटम हो गए। इन तीनों डेटम के रेफरेंस में हमें क्या होता है, कटिंग पॉइंट की लोकेशन हमें एग्जैक्टली यहाँ पर पता होती है, एग्जैक्ट डिस्टेंस हमें पता, जैसे यहाँ पर एंड से जो है एक्यूरेट डिस्टेंस हमें पता है एंड सरफेस से, और यहाँ जो है बैक सरफेस से भी हमें यहाँ जो है एक्यूरेट डिस्टेंस पता है यहाँ पर, क्लियर। तो इस प्रकार से ये जो है क्वालिफाइड टूल के अंदर होता है। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम बताया गया है, क्या यहाँ पर आपके पास जो तीन टूल बताए गए हैं, बी एफ एंड क्यू, क्लियर। तो ये जो है क्वालिफाइड टूल है, देखिए बी टूल के अंदर क्या है, टूल बी के अंदर जो ये जो टूल है आपका टूल टिप क्वालिफाइड है एंड से भी, बैक साइड से भी, और फ्रंट जो है फ्रंट से भी, यानी कि यहाँ पर जो टूल बी है आपका ये जो है तीनों डेटम से क्वालिफाइड है, एंड से भी, फ्रंट से भी, बैक से भी, यानी कि तीनों ही सरफेस से हमें एग्जैक्ट डिस्टेंस पता है किसकी, टूल टिप की। अगर हम टूल एफ की बात करें तो एफ के अंदर हमें केवल एंड से और फ्रंट से ही हमें जो है एग्जैक्ट डिस्टेंस पता है टूल टिप की, हमें जो है बैक साइड से टूल टिप की डिस्टेंस हमें पता नहीं है एग्जैक्टली। अगर हम टूल क्यू की बात करें तो क्यू के अंदर ये जो टिप दिख रहा है आपको, इस टिप की हमें डिस्टेंस पता है एंड से और बैक से, यानी कि हमें जो है फ्रंट सरफेस से टूल टिप की एग्जैक्ट डिस्टेंस हमें यहाँ पर पता नहीं, ठीक है। तो देखिए इन फिगर टूल बी इज, तो हम जो है टूल बी को क्या कहेंगे, देखिए टूल बी की हमें जो है टूल टिप की डिस्टेंस हमें एंड से भी एग्जैक्टली पता है, फ्रंट से भी पता है और बैक से भी पता है, तो हम यहाँ पर इसको कहेंगे
टूल बी क्या है, टूल बी जो है बैक फ्रंट और एंड क्वालिफाइड है, ठीक है। और टूल एफ की अगर बात करें तो टूल एफ क्या है, एंड और फ्रंट से क्वालिफाइड होगा। टूल एफ इज क्वालिफाइड फ्रॉम फ्रंट एंड एंड। इसी प्रकार से टूल अगर क्यू की बात करें तो क्यू क्या है, एंड और बैक से क्वालिफाइड होगा। टूल क्यू इज क्वालिफाइड फ्रॉम बैक एंड एंड, ठीक है। तो देखिए ये जो डेटन्स थे, फ्रंट साइड फ्रंट बैक एंड एंड, है ना, ये जो है तीन डेटन्स हैं। तो ये जो डेटन्स है वो टूल होल्डर पर जो है जनरली हम लेते हैं, टूल होल्डर पे भी ले सकते हैं और टूल शैंक पे भी ले सकते हैं। तो यहाँ जो जनरली जो ये डेटम्स होते हैं वो टूल होल्डर पे हम बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इसलिए हम लेते हैं टूल होल्डर पे अधिकतर, क्योंकि टूल होल्डर की जो डायमेंशन है वो फिक्स्ड होती है और नॉन होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है लोकेट कर सकते हैं प्रिसाइसली। देखिए यहाँ पर बेनिफिट क्या है क्वालिफाइड टूल यूज़ करने का, ये क्वालिफाइड टूल की जो टूल टिप है उसके हमें पोजिशन प्रिसाइसली पता है, यानी कि जो टूल टिप की जो पोजिशन है वो हमें एक्यूरेसी का पता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्यूरेसी के साथ पोजीशन कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं मशीन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ हमें डायमेंशन मेजरमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, टूल को प्रिसेट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें क्वालिफाइड टूल की डायमेंशन सभी ऑफसेट वैल्यू हमें पहले से ही हाई एक्यूरेसी के साथ यहाँ पर पता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर हमने देखा कि टूल बी एफ क्यू, बी तो तीनों ही साइड से क्वालिफाइड है, एफ फ्रंट और एंड से क्वालिफाइड है, और क्यू जो है बैक और एंड से क्वालिफाइड है। तो यहाँ जो हम टूल माउंट करेंगे टूल होल्डर के अंदर, तो जिस साइड से क्वालिफाइड होगा टूल उसी साइड से हम यहाँ पर जो है माउंट करते हैं, ठीक है। दे हैव टू बी लोकेटेड फ्रॉम द सेम साइड और एंड ऑफ द शैंक दैट हैव आर क्वालिफाइड फ्रॉम, यानी कि जिस साइड से क्वालिफाइड होगा उस साइड से हमें जो है या तो बैक साइड से या फिर एंड से या फिर फ्रंट से हम क्या करते हैं इसको लोकेट करते हैं, यानी कि उसके रेफरेंस में लोकेट करते हैं। किसके अंदर, टूल होल्डर के अंदर, जब फिक्स करते हैं टूल को तो इस प्रकार से करते हैं, जिस साइड से क्वालिफाइड है उसी साइड से हम इसको होल्ड करते हैं, माउंट करते हैं टूल होल्डर के अंदर। जैसे कि हम टूल बी की बात करें तो टूल बी क्या था, टूल बी तीनों ही साइड जो तीनों ही डेटम से क्वालिफाइड है। तो यहाँ पर टूल बी को हम जो है, टूल बी कैन बी लोकेटेड फ्रॉम आइदर बैक फ्रंट विद द एंड, ठीक है। तो इसको हम जो है तीनों में से जो है किसी भी साइड से इसको यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है जरूरी क्यों है, जिस साइड से क्वालिफाइड उसी साइड से इसको होल्ड करना। तो क्या होगा अगर हम जो है सेम साइड से जो होल्ड करेंगे तो क्या होगा, कटिंग पॉइंट जो होगा वो हमें टूल होल्डर की ज्योमेट्री के हिसाब से हमें जो है एग्जैक्टली यहाँ पर पता होगा, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर सेम साइड से होल्ड करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वालिफाइड टूल के रूप में हम जो है मेटल इंसर्ट का अधिकतर उपयोग करते हैं, जैसा कि आपने देखा यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर। तो इस डायग्राम में क्या है, इस डायग्राम में क्या है, एक तो आपके पास टूल सेंक है और यहाँ पे जो है टूल टिप जो तो आपको दिख रही है, जो टूल दिख रहा है आपको, टूल टिप क्या है, मेटल इंसर्ट है, यानी कि छोटा सा इंसर्ट है टूल टिप का, वो हमने जो है इस टूल सेंक में फिट कर रखा है। तो ये होता है मेटल इंसर्ट। तो हार्ड मेटल इंसर्ट आर आइडली सुटेबल फॉर क्वालिफाइड टूलिंग। तो जहाँ पर क्वालिफाइड टूलिंग उपयोग में करना है तो हार्ड मेटल टूल जो हार्ड मेटल इंसर्ट जो है आइडली सुटेड होता है इसके लिए, क्यों क्या होता है कि इंसर्ट के हमें डायमेंशन ज्योमेट्री दोनों ही पहले से पता होती है, ठीक है। तो इसलिए मेटल इंसर्ट है इसका हम जो क्वालिफाइड टूलिंग के लिए उपयोग करते हैं। क्वालिफाइड टूल देखिए क्या एलिमिनेट करता है, क्वालिफाइड टूल का उपयोग करने से हमें यहाँ पर प्री सेटिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मतलब यहाँ पर हम कटिंग टूल को जो है मेजरमेंट करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ती है, ठीक है। तो जहाँ अनक्वालिफाइड टूल उपयोग में लेते हैं तो वहाँ प्री सेटिंग करना पड़ेगा, और जहाँ हम क्वालिफाइड टूल उपयोग में लेंगे तो वहाँ प्रीसेटिंग हमें यहाँ पर नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। देखिए सेमी क्वालिफाइड टूल क्या था, जिसमें हमें सारी डायमेंशन पहले से पता नहीं है, कुछ पता है और कुछ हमें पहले से पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है क्वालिफाइड टूल में जनरली जो है जो एडजस्टेबल बटन्स होते हैं, जनरली जो है थ्री एडजस्टेबल बटन्स होते हैं, जिसकी सहायता से हम जिस डायरेक्शन में बटन्स लग रहे हैं उस डायरेक्शन में हम जो डिस्टेंस जो है वेरी कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये जो है सेमी क्वालिफाइड टूल्स होते हैं जिसमें बटन्स होते हैं, और बटन से हम क्या कर सकते हैं, जिस जो हमको डायमेंशन चाहिए वो हम इसमें एडजस्ट यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है, और हम इसको डिफरेंट डिफरेंट मशीन पे यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप ये जो क्वालिफाइड टूल है आपको जो क्लियर हुआ होगा क्वालिफाइड टूल क्या होता है और हम इसको किस प्रकार से उपयोग में यहाँ पर लेते हैं। थैंक यू।